हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करेंगे डिजीबॉक्स के बारे में, विच इज एन इंडियन क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म विच इज मेड फॉर द इंडियंस बाय द इंडियन। एंड इसका जो डेटा सर्वर है ये भी इंडिया में ही है, कहीं भी बाहर नहीं है। चलिए जानते हैं कि डिजीबॉक्स को यूनिक क्या चीज बनाती है एंड व्हाई शुड यू कंसीडर इट अगेंस्ट अदर ऑप्शंस। लेट्स डाइव इन स्ट्रेट अवे। इस वीडियो के नीचे एक स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट भी है आपके लिए कि अगर आप डिजीबॉक्स पे साइन अप करके ईयरली सब्सक्रिप्शन पे जाते हो तो आप मेरा कूपन कोड यूज करें एंड आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। डिजीबॉक्स एक ऐसा इंडियन होम ग्रोन क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है जो उन यूजर्स के लिए बना है जिनको एक अफोर्डेबल एंड सिक्योर डिजिटल स्टोरेज सॉल्यूशन चाहिए। डिजीबॉक्स इज लॉन्च्ड विद द एम टू प्रमोट लोकल डेटा स्टोरेज, जो कि एक इंडिविजुअल को भी हेल्प करे, एक बिजनेसमैन को भी हेल्प करे एंड इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ हियर आर सम की फीचर्स जो डिजीबॉक्स को औरों से काफी अलग एंड यूनिक करता है। सबसे पहली चीज है अफोर्डेबिलिटी। एंड दोस्तों, अफोर्डेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि यार क्वालिटी कुछ कम हो रही है, क्वालिटी इज वेरी मच अप टू द मार्क। जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, एक पेड वाला प्लान लेते हो तो आपको सिर्फ 30 रुपया देना है महीने का एंड आप 100 GB वाला पेड प्लान ले सकते हो। सेकंड इज इंडियन डेटा लोकलाइजेशन। दोस्तों, आप डिजीबॉक्स पे जो भी अपना डेटा अपलोड कर रहे हो ना, ये सारा का सारा इंडिया के सर्वर्स में ही रहता है, कहीं भी इंडिया के बाहर नहीं जाता। नेक्स्ट इज मल्टीलिंगुअल इंटरफेस। अब दोस्तों, इससे ये फायदा होता है कि इंडिया में आज जहाँ पे पूरे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो वहीं पे इस ऐप में भी आपको अलग अलग लैंग्वेजेस अवेलेबल है, सो दैट यू कैन यूज दिस ऐप इन योर वेरी ओन नेटिव लैंग्वेज। हर किसी को इंग्लिश या हिंदी पता हो ये जरूरी नहीं है, राइट? लैंग्वेजेस को देखना हो तो आप प्रोफाइल में जाके भाषा पे टाइप कर सकते हो। यहाँ पे आपको हिंदी, इंग्लिश, मराठी एंड और भी ढेर सारी जो इंडियन लैंग्वेजेस अवेलेबल है दैट यू विल बी एबल टू सी हियर। तो देखिए, मैंने ऐसे यहाँ पे ऐसे इंग्लिश पे टाइप कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये जो लैंग्वेज है चेंज हो जाएगी एंड ऐप की लैंग्वेज अब इंग्लिश हो चुकी है। डिजीबॉक्स के प्लान्स की अफोर्डेबिलिटी देखनी है तो दिखाता हूँ। तो देखिए, आप अगर मंथली वाले प्लान पे भी जाते हो ना, तो आपको बेसिक वाला जो इनका प्लान है जिसमें आपको 100 GB की स्पेस मिलती है, ये 30 rupees पर मंथ में मिल जाता है। अगर आपको 500 GB एंजॉय करना है तो सिर्फ 30 के बदले 3 गुना ज्यादा, मतलब 90 रुपये पर मंथ पे कीजिए एंड 500 GB यूज कीजिए। 1 TB चाहिए तो सिर्फ 120 रुपये पर मंथ पे कीजिए एंड अगर 2 TB चाहिए तो सिर्फ 199 रुपीज पर मंथ। अगर आपको ईयरली वाले प्लान में जाना है तो आप इस पे ऐसे क्लिक कर दो एंड देन आपको 100 GB फॉर 360 पर ईयर हो जाएगा, 1080, 1440 एंड 2388। अच्छा, यहाँ पे आप जो प्लान देख रहे हो ना ईयरली वाले, इसमें आप मेरा वाला डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई करोगे तो एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिलेगा, वो अलग। प्राइस गेम विथ अफोर्डेबिलिटी विथ योर डेटा एट इंडियन सर्वर्स एंड अनमैच्ड सिक्योरिटी। देखिए कौन जीतता है। देखिए, प्राइस गेम में तो ऐसा है कि डिजीबॉक्स का जहाँ चार्ज है 199 रुपीज पर मंथ फॉर 2 TB का प्लान, वहीं पे ये वाली कंपनी देखिए कितना ले रही है, 995। यहाँ पे कितना है, 650, यहाँ पे 893। नाउ यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि ज्यादा बेटर कौन सा है या ज्यादा बेस्ट कौन सा है। बिजनेस यूजर्स की बात करें तो डिजीबॉक्स इंटीग्रेट करता है वेरी वेल विथ ऑफिस टूल्स, जो अलाउ करता है आपको स्टोर करने के लिए, शेयर करने के लिए एंड कोलैबोरेट करने के लिए अपनी फाइल्स के साथ एफर्टलेसली। एंड इंडिविजुअल्स की बात करें तो भाई, ये आराम से आपके मोबाइल फोन पे भी चलता है एंड आप अपने पीसी पे या लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हो। डिजीबॉक्स के फ्री एंड प्रीमियम यूजर को क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। तो अगर आप फ्री वाले यूजर हो तो आपको 10 GB के मैक्स फाइल साइज लिमिट शायद ना मिले, उससे कम मिले, बट प्रीमियम में डेफिनेटली मिलती है। तो आप एक जो आपकी जो फाइल होती है, एक सिंगल फाइल जो आप अपलोड कर रहे हो, उसकी मैक्स फाइल साइज लिमिट 10 GB तक की है। SSL सिक्योरिटी दोनों को ही मिलती है, तो सिक्योरिटी पर्पज से फ्री और प्रीमियम में कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ एक्सेस आप एनी टाइम एनी वेयर कर सकते हो, वेब प्रिव्यू भी है, अनलिमिटेड एक्सटर्नल कोलैबोरेशन भी है, ऑडिट लॉग्स मिलेंगे विद फाइल इवेंट ट्रैकिंग, फाइल सर्च भी अवेलेबल है, ऑटो टैगिंग है, मोबाइल ऐप एक्सेस भी दोनों को है, जीमेल इंटीग्रेशन या यहाँ से जो सारे फीचर्स है ये सिर्फ पेड वालों के लिए है। वन ऑफ देम इज जीमेल इंटीग्रेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटीग्रेशन, देन डेस्कटॉप पे ऐप एक्सेस चाहिए, फोन सपोर्ट ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, प्रायोरिटी ईमेल सपोर्ट एंड प्रायोरिटी AI चैट सपोर्ट। सबसे बड़ी बात यह है कि डिजीबॉक्स में आपको 20 GB की फ्री स्टोरेज मिलती है, जहाँ पे बाकी के जो क्लाउड शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स हैं
वो 20 GB तक तो आए भी नहीं है, कोई 2 GB देता है, कोई 5 GB देता है, कोई 10 देता है, कोई 15 देता है, बट यहाँ पे आपको फ्री वाले में ही 20 GB इजीली मिल जाता है। ऐप इंटरफेस अगर देखें तो इतना सिंपल है, देखिए आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो होम पे आओगे, देन आपको एसेट्स नजर आएंगे, देन डिजिशेयर ऑप्शन है, इसमें आप किसी भी फाइल को आप अपलोड करके सामने वाले को शेयर कर सकते हो, अप टू 2 GB की फाइल होनी चाहिए और ये कम्प्लीटली फ्री है। ठीक है दोस्तों, सामने वाले का इसमें डिजीबॉक्स में अकाउंट डाउनलोड करने के लिए जरूरी नहीं है। देन देयर इज डिजी फोटोज, जिसमें आपके मोबाइल के सारे फोटोज के ऑटोमेटिकली आप बैकअप क्रिएट कर सकते हो। एंड देन देयर इज प्रोफाइल। आपको क्या लगता है कि क्या डिजीबॉक्स में इतनी ताकत, इतना पावर है कि ये इंटरनेशनल कंपनीज के सामने टक्कर ले पाए? एंड आप मुझे अपने राय कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आप डिजीबॉक्स को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते हो एंड अपने भी पैसे बचाना चाहते हो तो आप सिंपली डिजीबॉक्स पे साइन अप करके चेकआउट तो कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या ऑफर करता है। बाकी अगर आपके मन में कोई भी सवाल, क्वेरीज, डाउट्स हो तो प्लीज़ ये भी ज़रूर पूछिए कमेंट्स में। वीडियो अच्छी लगी या पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल 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 फ्री है, बट इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।